सऊदी अरब में एक बार फिर से गर्दन काटने की सजा सुनाई गई। उसके बाद जो कातिल था उसके घर वाले पूरा मजलिस लेकर माफी मांगने के लिए उस घर पे पहुंचे जिसके यहाँ मौत हुई थी। तो क्या उस घर वालों ने मिलकर उस कातिल को माफ कर दिए? क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया था, काफी ज्यादा दौलत लेकर आए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें माफी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर बिना पैसे के आए और बिना किसी भी तरह का कोई कीमती चीज लेकर आए हैं माफी मांगने के लिए, ताकि माफ कर दिया जाए और उसे मौत की सजा ना हो। तो क्या माफी मिली? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों, क्या हुआ उनके साथ में, माफी मिली या फिर नहीं मिली। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में जान का बदला जान ही देना पड़ता है। किसी भी वजह से अगर जो सामने वाले की मौत हो जाती है आपके हाथ से, तो उसके बदले में आपको भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन हाँ, आपको बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है एक शर्त पे, अगर जो उसके घर वाले आपको माफ कर देते हैं तो आपका सजा माफ किया जा सकता है, यानी आपको मौत की सजा नहीं हो सकती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया, एक सऊदी लड़का दूसरे सऊदी को जान से मार देता है और उसको भी मौत की सजा सुना दी जाती है। फिर उसके घर वाले पूरे काफिला लेकर आते हैं उसके घर पे जिसके बाप की मौत हो चुकी थी। फिर वो पूरा काफिला मिलकर माफी मांगना शुरू करते हैं और वहीं पर जिसके यहाँ मौत हुई थी उसका लड़का बाहर निकल के आता है और उस सऊदी लड़के को माफ कर देता है। उसी खुशी में दोस्तों ये सब मिलकर पूरे काफिले वाले मिलकर उसको गले लगा लेते हैं। पहले ऐसा एक मर्तबा और देखा गया था कि माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा काफिला वो ऐसे दरवाजे पे पहुंचे थे, काफी ज्यादा दौलत लेकर, काफी ज्यादा बेशकीमती चीजें लेकर, लेकिन वहां पर उसे माफी नहीं मिली थी। लेकिन यहां पर बिना पैसे के बिना दौलत के ही माफी मिल गई। तो ऐसे भी लोग हैं दोस्तों कि जहां पर पैसे की कीमत नहीं देखी जाती है। अब उसके मन में क्या आया, क्यों माफ कर दिया, वही जाने। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसी गलती से आप बच सकते हैं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे छोटी बड़ी गलतियों की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से ऐसी गलती हो जाती है जिसके वजह से सामने वाले की जान चली जाती है। लेकिन हाँ, हर कोई माफ नहीं करता है। 100 में से 80% मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसे मौत की सजा होती है, माफी नहीं मिलती है। बाय चांस ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि माफी मिल जाती है। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। इसी वजह से मैं हमेशा सतर्क रहने के लिए बोलते रहता हूँ कि लड़ाई झगड़ों से हमेशा दूर रहिएगा। ऐसा ना हो छोटी सी गलती की वजह से गुस्से में आकर आप हाथ उठा दे, किसी वजह से सामने वाले की जान चली जाती है तो उसके पीछे आपकी भी जान जाना तय है, आपके पीछे आपका पूरा फैमिली बर्बाद हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आज की वीडियो, आज का जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करके फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी तरह जानकारी देखने के लिए।